हेलो पंचायत स्टूडेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बायोमेट्रिक मंत्रा जो डिवाइस होती है उसका पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ऐसे में जैसे सभी पंचायत सहायकों के पास से बायोमेट्रिक डिवाइस मिल चुकी है, वो लोग आयुष्मान कार्ड बनाने में या पीएम किसान सम्मान निधि की ई केवाईसी करने में जब यूज करते हैं तो पूरा मंत्रा डिवाइस का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, कौन सा इसमें जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करना है, इसमें बहुत सारी लिंक होती हैं तो मैं आप कंप्लीट दिखाता हूँ। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे मंत्रा आरडी सर्विस। जैसे ही टाइप करेंगे मंत्रा आरडी सर्विस तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड MS100 ड्राइवर मंत्रा सॉफ्टेक लिखा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। मंत्रा का इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, कैप्चा फिल करना है। ध्यान रखिए कैप्चा फिल करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लिंक जो मैं क्लिक करूँ जिस पर डाउनलोड करना, बहुत सारी लिंक होती हैं, बार बार आप परेशान होते हैं, गलत लिंक डाउनलोड हो जाती है, गलत जो ड्राइवर हो डाउनलोड हो जाता है। तो मैं पूरा कंप्लीट बताता हूँ कि आपको कौन सा डाउनलोड करना है। जैसे कि यहाँ जो फर्स्ट स्टेप पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी पहले साइड पे यहाँ पे पूरा जो पहले लिखा हुआ है डाउनलोड M100 RD सर्विस 1.0.8 न्यू करके यहाँ पे लिंक हो रहा है, आपको डाउनलोड करना है। जैसे मैंने कर दिया क्लिक इस पर, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब नीचे आना, यहाँ दूसरे वाले फोल्डर को टच नहीं करना, छोड़ देना है। यह सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे तो देखिए विंडोज डाउनलोड M100 क्लाइंट सर्विस करके लिखा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे 9.0.3.8 करके लिखा है, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ इसको और ये देखिए मेरा दूसरा भी डाउनलोड होने लगे, डाउनलोड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, अभी जस्ट हो जाएगा, यानी दो हो चुके हैं, कुल मिलाकर टोटल तीन करने। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएंगे, जैसे यहाँ पे देख डाउनलोड MFS विंडो 7, 8 और 10, यहाँ पे आपको इसी को डाउनलोड करना है, क्लिक करना है इस पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा यहाँ पे, आप ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो 21 MB का लगभग है आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट तीन ड्राइवर होते हैं, तीनों को डाउनलोड करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डाउनलोड करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में देख रहे होंगे बॉक्स में, उसको डाउनलोड करना है और सबसे नीचे वाले में यहाँ पे डाउनलोड करना है 9.0.38, इसको डाउनलोड करना है। लेफ्ट साइड में आप जब आएंगे तो इधर से जो स्टार्टिंग में पहला ही बॉक्स है यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना। इस तरह से मैंने देखे तीनों कंप्लीट इंस्टॉल कर लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं इसको, इंस्टॉल करने के बाद अब चलते हैं दिस पीसी पर अपने। वहाँ पे जैसे दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड का जो एक ऑप्शन होता है या फोल्डर भी होता है, आप किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड पे, जो भी आपके डाउनलोड हुए हैं दोनों ड्राइवर यहाँ पे आ जाएंगे बारी बारी से। सबसे पहले जो पहले डाउनलोड हुआ था 1.0 वाला, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। इस पर डबल क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कुछ प्रोसेस होती है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर इंस्टॉल पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस प्रोसेस को चलने देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर जो भी ऑप्शन आएंगे यहाँ पे कुछ कोडिंग आप ऑटोमेटिक, वहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन का इंस्टॉलेशन का होता है, ऐसे में आप यहाँ पे होता रहेगा। अभी आपको बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पे नहीं लगानी है, मैं बताऊँगा कब लगानी है आपको। ये कुछ प्रोसेस हैं, ऑटोमेटिक चलेंगी, आपको टच नहीं करना, जस्ट इसको यहाँ पे आप फिनिश कर देना है। यानी जो पहला है वो हो चुका है, अब इसको फिनिश करना है, यानी 1.08 वाला हो चुका है। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर इंस्टॉल हुआ था 9.0.3.8, इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप इस पर तो कुछ इसमें भी थोड़ी सी प्रोसेस होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको इंस्टॉल करना है इसको ऑटोमेटिक, जैसे इंस्टॉल होगा आपको प्रोसेस चलने देना है कम्प्लीटली और डेस्कटॉप इसको फिनिश कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने दो कर लिए, अब तीसरा जो बचा है आप यहाँ पे जैसे आप दूसरे वाले को करेंगे तो रिडायरेक्ट कर देगा एक पोर्टल पे, जैसे मुझे भी इसने कर दिया है। ऑनलाइन क्रोम ब्राउजर जो खुला होता है आपको वहाँ पे ले जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको वहाँ से इसको केवल मिनिमाइज कर देना है जैसे, ठीक है। फिर जो दूसरे नंबर पे होता है आपको उस पर डबल टैप क्लिक करना है, राइट, मतलब यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक जैसे कि इसमें कुछ प्रोसेस होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल करना है। इस तरह से अभी हमें तीनों पूरे कंप्लीट करना है, इंस्टॉल करना है एकदम कंप्लीट, और इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस चलेगी, ऐसे ही आपको इंस्टॉल करते रहना है। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड, इतना जितना भी टाइम लगे आप इसको टाइम दीजिएगा। और यहाँ पे जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो अभी आगे एक मैसेज आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको पूरा टाइम देता हूँ जितना भी लग रहा है इंस्टॉल होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये अभी कम से कम 20 सेकेंड टाइम ले लिया है, ठीक है। इतना टाइम लेने के बाद अब यहाँ पे फिनिश वाला एक ऑप्शन आता है, लेकिन आपको फिनिश पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि इस पर एक हमें टेस्ट करना होता है बायोमेट्रिक कैप्चर का। अब यहाँ पे जो ये पेज खुला है, अब आपको क्या करना है, अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने CPU पे लगा देना है, पोर्ट होता है
जैसे मैं अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पे लगा दिया हूँ, डिवाइस अटैच लिख गया, प्लीज़ वेट करके एक मैसेज आएगा कन्वर्टिंग पब्लिक डिवाइस टू, इस तरह से, और एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली का यहाँ पे, ये देखिए यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कैप्चर टेस्ट का बटन होता है, आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस पर रेड कलर की लाइट ब्लिंक करेगी, आपको थंब अपना रखना है वहाँ पे, और यहाँ पे लिखेगा कैप्चर सक्सेस, यानी कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो रन कर रहा है सक्सेस, आप ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ओके पर क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे इस बटन पे एग्जिट करेंगे, ये यहाँ पे हट जाएगा। एग्जिट करने के बाद आप इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, फिनिश करने के बाद अब आप इसको यहाँ पे से, मतलब तीनों आपका कंप्लीट हो गया, डिवाइस रन हो चुकी है। अब आपको कंप्यूटर को अपने एक बार दो बार तीन बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने डिवाइस को निकाल देना है, जो अभी अपने डिवाइस रिमूव्ड मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद अब आपको अपने कंप्यूटर पर डिवाइस को फिर से लगाना है, डिवाइस हमने अटैच कर दी है, और यहाँ पे एक मैसेज आएगा डिवाइस रेडी टू फार्म वर्क इज यूज्ड। जब तक वो मैसेज नहीं आएगा तब तक आप यूज नहीं कर सकते हैं, या रेड कलर का कोई मैसेज आ रहा तो गलत है, यहाँ लिखा है फार्म वर्क इज रेडी टू यूज, यानी कि अब ये हमारी कंप्लीट यूज करने के मूड पे है, हम कुछ भी करेंगे हमारी रन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।